तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिन ऑयल पे। ONGC के स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ONGC को लेके बहुत सारे अपडेट्स हैं। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी अपडेट है ONGC के शेयर को लेके वो आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रही कि प्लीज स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन ऑयल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है। दोस्तों ONGC के शेयर में आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर लगभग 1.6% के आसपास यहाँ पे तेजी बनता हुआ दिखा है। वही बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर 4.3% का रिटर्न दिया है। वन मंथ के अंदर स्टॉक ने 6.4% का तेजी दिया है। तो एक जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न ONGC के शेयर में देखने को मिला है। फिलहाल शेयर जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे इसका ड्यूरेबिलिटी जो है 55 out of 100, वैल्यूएशन 74.70 out of 100, मोमेंटम 63.60 out of 100। अभी यहाँ पे समझते हैं दोस्तों ONGC के शेयर का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है तो टेक्निकली जो है ये स्टॉक अभी बुलिश लेवल यहाँ पे दिखा रहा है। तो टेक्निकली शेयर जो है यहाँ पे बुलिश लेवल जो अभी भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है कि भाई जो शेयर है ONGC का ना कि ओवरबॉट लेवल पे ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। लगभग ये शेयर दोस्तों ओवरबॉट लेवल के आसपास है। MACD इंडिकेटर कह रहा है कि जो शेयर है ONGC का ये बुलिश लेवल बना रहा है। तो ONGC के शेयर में बहुत दिन के बाद बोल सकते हैं कि एक ज़बरदस्त तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे स्टॉक जो है एक दिन के अंदर जो लो प्राइस दिया है वो है 162.60 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है 165.80 पैसे का। एंड वन वीक के अंदर 159 रुपीज़ का लो प्राइस बनाया, हाई प्राइस बनाया है 165.80 पैसे का। वही बात करते हैं वन मंथ के अंदर 152.60 पैसे का लो प्राइस दिया है और हाई प्राइस दिया है 165.80 पैसे का। तो ये स्टॉक जो है अभी आप देख सकते हैं जहाँ पे बोल सकते कि BSE और NSE मिला के जो एक दिन का इसका वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं 9.4 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 55.9% का है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है 5.2 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर 8.2 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। 55% जो इसका डिलीवरी परसेंटेज जो है 55% है एंड डिलीवरी वॉल्यूम 4.5 मिलियन का है। वन मंथ के अंदर 10.9 मिलियन का BSE NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 56.6% का है, डिलीवरी वॉल्यूम जो है 6.2 मिलियन का है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं ONGC का, तो प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास 58.89% का स्टेक है। एंड वही बात करते जो प्रोमोटर्स के पास जो 58.89% का स्टेक है, FIS के पास 8.43% का स्टेक था। तो FIS जो है देख सकते हैं यहाँ पे स्टेक कम कर दिया है, 7.97% का स्टेक कर दिया है। वही बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास 8.47% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने जो है स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 8.73% का कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 21.1% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन ने जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 21.44% का स्टेक कर दिया है। एंड वही बात करते हैं पब्लिक के पास जो है 3.1% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे घटा दिया है, 2.94% का स्टेक कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है प्रोमोटर्स के पास उतना स्टेक है, FIS ने स्टेक घटा दिया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ा दिया, अदर इंस्टीट्यूशन ने स्टेक बढ़ा दिया है और पब्लिक ने जो है स्टेक यहाँ पे घटा दिया है। अभी इसका एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस देखते हो ONGC के शेयर का तो वो है 191 रुपीज़ का, 191 रुपीज़ का एक एवरेज ब्रोकर टारगेट प्राइस है ONGC के शेयर में। तो अभी यहाँ पे ONGC का लेके वो आप देख सकते हैं रिकंसिडर कर रहा है स्टेक खरीदने के लिए केनिया ऑयल प्रोजेक्ट जो है उसमें। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या है कहा जा रहा है। तो द ऑयल कंपनी नीड्स मोर क्लियरिटी आफ्टर टोटल अर्निंग्स SE एंड अफ्रीका ऑयल क्रॉप क्वाइट द केनियन कंसोर्टियम सेवरल वीक्स एगो एंड ONGC एग्जीक्यूटिव हु आस्क्ड नॉट टू बी नेम्ड। तो यहाँ पे जो है ONGC बोल सकते कि जो इसका केनिया ऑयल प्रोजेक्ट जो है उसमें स्टेक खरीदने के लिए यहाँ पे दोबारा सोच सकता है। अभी आगे चल के हो सकता है कि केनिया जो प्रोजेक्ट है, केनिया ऑयल प्रोजेक्ट, उसमें ONGC स्टेक खरीदे। द ऑयल यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब द इंडियन ऑयल कंपनी नीड्स मोर क्लियरिटी, फिलहाल जो इनको मतलब और भी क्लियरिटी चाहिए जहाँ पे बोल सकते टोटल अर्निंग्स SE एंड अफ्रीका ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है केनिया कंसोर्टियम सेवल से, मतलब केनिया कंसोर्टियम से कुछ हफ्ता पहले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे ONGC की ओर से भी बताया गया है कि ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड डिस्कशंस विथ
Tullow started before these companies decided to exit. Tullow discovered crude oil in Kenya in 2012, but has yet to find strategic partners. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप बन सकता है ONGC का केनिया ऑयल के साथ. तो यहाँ पे Tullow जो है said there are still potential strategic partners for the Kenya ventures without naming any companies. तो यहाँ पे the prospective partners remain engaged and detailed form out discussion continued with a number of companies. A Tullow spokesperson said by an email. तो यहाँ पे देखिए ONGC जो है हो सकता है कि आगे चल के जो इस कंपनी जो है इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया जाए ONGC के ओर से. तो अभी जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उसमें से देखते हैं, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे जो है शेयर मार्केट जो एनालिस्ट है वो आप देख सकते हैं जहाँ पे मतलब 60% का मानना है कि ONGC के स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं एंड होल्ड करने के लिए 20% कह रहा है, सेल करने के लिए 12% कह रहा है. तो शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि ONGC के शेयर में बाई करके चल सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे इस समझते हैं मतलब ONGC को लेके जो अभी अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रहा है. तो आप देखते हैं मतलब ONGC के शेयर अगर हम लोग अभी भी समझते हैं तो यहाँ से अभी खरीदारी करते हैं तो आगे चल के हो सकता है कि अच्छा खासा एक रिटर्न ONGC के स्टॉक में देखने को मिले. ONGC विदेश निगम जो यहाँ पे है, विदेश जो है यहाँ पे कुछ क्लियरिटीज़ हैं उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि ONGC की ओर से कंपनीज दैट आर लाइकली टू पार्टनर विथ OVL जो ONGC का विदेश लिमिटेड है फॉर द स्टेक बाय आर ऑल्सो एवलुएटिंग अ स्टेक परचेज सेड द एग्जीक्यूटिव. तो यहाँ पे जो है और भी ऐसे कंपनीज है जो स्टेक खरीदने के लिए सोच रहा है. ONGC विदेश लिमिटेड इज वेटिंग फॉर क्लियरिटी ऑन द इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ ए ब्लॉक इन द लोकिचर बसिन इन केनिया फ्रॉम Tullow ऑयल बिफोर बिडिंग फॉर ए स्टेक. तो यहाँ पे जो है ONGC मांग रहा है स्टेक खरीदने से पहले. अदर इंडियन कंपनीज दैट आर लाइकली टू पार्टनर विद OVL फॉर द स्टेक बाय आर ऑल्सो एवलेटिंग स्टेक परचेज. तो यहाँ पे OVL मतलब ONGC विदेश लिमिटेड जो है ONGC विदेश लिमिटेड के साथ मतलब जो पार्टनर होगा वो सब कंपनीज भी यहाँ पे जो और भी कुछ क्लेरिफिकेशन मांग रहा है. तो OVL इज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ स्टेट रन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. तो OVL जो है ये एक ONGC का ही जो है विदेश इन्वेस्टमेंट जो है उसका कंपनी है और यहाँ पे फिलहाल आगे चल के हो सकता है कि ONGC के स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिले, जैसे बहुत सारे अपडेट्स हम लोग के यहाँ पे ONGC को लेके देखने को मिल रहा है. किसी के ONGC को लेके ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए. दोस्तों हम लोगों ने कोशिश की जो भी अपडेट्स है वो आपके शेयर किया जाए. डिस्क्लेमर देना चाहेंगे हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहते कोई भी शेयर जो है आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे. रिक्वेस्ट करते जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए. उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा. अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पी नॉइज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए.